हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों, मेडिसेलिक एक फेयरनेस क्रीम है जिसे काफ़ी लंबे समय से कई लोग लगा रहे हैं आज के समय में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप इस क्रीम को लगाना चाहते हैं, लगाने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अगर अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में अगर क्रीम को कोई भी यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेडिसेलिक जो कि फेमस है, इसकी पैकेजिंग भी लंबे समय से ऐसी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे इसकी जो पैकेजिंग है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके जो साल्ट है दोस्तों, वो बिल्कुल भी आयुर्वेदिक नहीं है। काफी लोग इसे यूज करते हैं और अपने चेहरे को बहुत ज्यादा साफ और सुंदर भी बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तरीका इन्हें यूज करने का, अगर आप उन्हें सही से यूज नहीं करोगे तो नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे ही क्रीम दोस्तों फेयरनेस क्रीम है, यानी कि अगर आपको दाद हो, खुजली हो चेहरे पे, या आपके निशान हो, या रंग आपका थोड़ा सा धूप की वजह से काला पड़ गया हो, तो ऐसे में इस क्रीम का यूज़ करते हैं लोग अपने चेहरे को साफ बेदाग बनाने के लिए। और हो भी जाता है, मात्र एक से दो दिन में आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम बेदाग हो जाएगा और एकदम आप सोचोगे कि हाँ ये क्रीम बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये क्रीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस चीज़ का भी याद रखना कि ये कोई आयुर्वेदिक क्रीम नहीं है जिससे कोई नुकसान आपको ना हो। अब नुकसान कैसे हो सकता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, पहले तो इसकी पैकेजिंग दिखा देता हूँ। वैसे तो बाहर से ऐसी दिखती है और जो अंदर से है ये कुछ ऐसी है। यहाँ पे इसका साल्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रखा अगर आप सामने की तरफ देखें, लेकिन यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके साल्ट मेंशन कर रखे हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं, क्लोबिटासोल, सेलेनिक एसिड। और ये सारी साल्ट दोस्तों स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मतलब होता है कोई भी दवाई अगर आपसे यूज़ कर रहे हो तब तक ही असर करेगी, उसके बाद जब आपसे छोड़ दोगे तो वो अपना असर दिखाना कम कर देगा और उस प्रॉब्लम को वो वैसे ही छोड़ देगा और वो प्रॉब्लम दोबारा बढ़ जाएगी। बेसिकली स्टेरॉइड का मतलब होता है कि इमरजेंसी के समय में उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देना, ठीक कर देना। तो जैसे अगर आप कहीं बाहर जाना चाहो और आप एक दो दिन में आपको कहीं बाहर जाना और आपका चेहरा ख़राब है, तो ऐसे पर्पज़ में ये सब क्रीमें बहुत अच्छी होती हैं। एक से दो दिन में आपके चेहरे को एकदम बेदाग और गोरा बना देंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं लाइफ टाइम के लिए इसे यूज करूं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप इसे सिर्फ अपने पिंपल और एक्ने को साफ करने के लिए यूज कर सकते हो, एटलीस्ट हफ्ते भर के लिए। पूरे टाइम इसे बिल्कुल यूज मत करना, वरना इसकी आदत हो जाएगी आपके चेहरे को, यानी कि जिस दिन आप इसे छोड़ दोगे लगाना, उस दिन आपका चेहरा लाल हो जाएगा, हो सकता है दाने भी आपके चेहरे पर देखने को मिले। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो सिर्फ वही लोग लगाएं जो पिंपल और एक्ने से प्रॉब्लम है जिन लोगों को। अगर आप चाहते हो मैं इससे गोरा हो जाऊंगा, तो दोस्तों गोरे तो आप दो दिन में हो जाओगे, लेकिन जब आप इसे छोड़ोगे तो आपका चेहरा वैसे ही काला हो जाएगा। और परमानेंट तो कोई भी चीज़ नहीं होती, तो आप ये मत सोचना कि मैं परमानेंट इस क्रीम को लगाता रहूंगा या लगाती रहूंगी तो मैं गोरा रहूंगा। तो ये क्रीम साफ तो कर देगी आपके चेहरे को, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप इसे छोड़ोगे तो आपका चेहरा वैसा ही हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप सिर्फ दानों के लिए या कुछ ही दिनों के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, जिससे आप चाहते हो कि आपका चेहरा साफ हो जाए, तो आप इन क्रीम को यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म इस क्रीम के लिए। ये क्रीम बेसिकली एक शॉर्ट टर्म क्रीम है जिसे आप कुछ ही समय के लिए लगा के, मात्र एक से दो दिन के लिए लगा के, कुछ हफ्तों के लिए अपने पिंपल को ठीक कर सकते हो। आपके पिंपल ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने पूरे फेस पे आप इसे बिल्कुल भी मत लगाना। अब लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं ताकि कोई नुकसान आपको ना हो। अगर आप पिंपल के लिए लगा रहे हो तो सिर्फ पिंपल पे ही इसको लगाना, पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में बिल्कुल भी इस क्रीम को अप्लाई मत करना। उससे आपके पूरे चेहरे पे इस क्रीम को आपका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर पिंपल के लिए से लगा रहे हो तो सिर्फ पिंपल पे लगाओ, और अगर आप अपने रंग को साफ करना चाहते हो तो भी एकदम हल्के अमाउंट में पूरे फेस पे लगाओ, भर भर के बिल्कुल नहीं लगाना। और सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार लगाना है, वो भी रात में। सुबह लगाने से आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो दवाई है स्टेरॉइड है और धूप में ये जलन करता है फेस के ऊपर, जिससे चेहरा काफी लाल हो जाता है। तो इसे सिर्फ रात में लगाएं, वो भी चेहरे को अच्छे से धो के, और सुबह अच्छे से गुनगुने पानी से अपने मुंह अच्छे से धो लीजिए जैसे आप इस क्रीम को रात में लगा के सोओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से सारी डिटेल आपको मिल गई होगी इस क्रीम के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम लिंक पे जाके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके सारे कमेंट एंड रिव्यू के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।